हे गाइस, स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। तो इस ब्लॉग में मैं आ गया हूँ अभी अपने घर, जो कि मेरा घर है ग्वालियर में। और अभी मैं खड़ा हूँ बैजाताल, जो कि आप पीछे देख पा रहे होंगे, ये पूरी लाइटिंग वाइटिंग सब बैजाताल की है। तो यहाँ पे एक जगह है बैजाताल करके, तो यहाँ अपना मस्त टाइम पास करने आया था, क्योंकि यहाँ पे क्या है सिंगिंग वगैरह होती है। तो आज है नहीं, सेटअप लगाया नहीं है। ऐसे नॉर्मली यहाँ फूड्स वगैरह स्ट्रीट वगैरह मिलते रहते हैं, अगर आप कुछ पानी पूरी वगैरह या फिर कुछ भी भुट्टा वगैरह खाना हो। तो यहाँ पे काफ़ी सारे और ये बच्चे भी हैं, यहाँ पे कुछ बेच रहे हैं इनको। और यहाँ सारी शॉप्स पूरी लाइटिंग वाइटिंग अच्छी हो रखी है, तो यहाँ के मज़े ले। वाटरफॉल वगैरह भी यहाँ पे, फाउंटेन्स वगैरह भी हैं, वाटरफॉल तो नहीं फाउंटेन। और ये बच्चे बेचने आए हैं अपना बलून। तो बच्चों, तुम लोग कहाँ से हो? महाराष्ट्र। तो ये दोनों मुझे महाराष्ट्र से मिले और मैं पुणे से आया। तो इन लोगों ने ऐसे कुछ तो ऐसा बोला, तो मैंने समझ गया कि महाराष्ट्र से है ये लोग, क्योंकि ये ऐसा हाँ ये बोले थे यहाँ से जाएंगा, तो मैं समझ गया कि भाई यहाँ के तो नहीं है, महाराष्ट्र के लग रहे हैं। तो तुम्हारा नाम क्या होता है? इसका नाम है कृष्णा और तुम्हारा नाम विशाल। तो मैंने इनको पूछा भाई महाराष्ट्र में क्या आता है, तो ये तो प्रो प्लेयर निकले। तो तुमने क्या बोला महाराष्ट्र में, मराठी बोल के दिखाओ। भाकर खादलीस। अच्छा, एक बार सबको नमस्ते कर देना लोग में मराठी में। नमस्ते मराठी में करो, मराठी में कुछ मराठी नमस्ते होता है। और कुछ? जय हिंद। चलो बढ़िया भाई। तो ये लोग बलून वगैरह बेच रहे हैं, तो देखते हैं अपन इनसे बलून लेंगे अभी। कितने का दिया ये बलून? 10। 10 रुपए का दिया। ये क्या स्माइली फेस है? तो इस पे तो स्माइली नहीं है यार, तो रुको। इस पे स्माइली है, ये वाला लूंगा मैं। तो स्माइली छोड़ दूं? तो ये स्माइली वाला बलून है। तो ये तुम एक दिन में कितने बेच लेते हो? 100 रुपए। 100 रुपए के? 100 रुपए के या फिर 100 बलून? 100 बलून बेच लेते हो? 100 बलून? 10 के 100? 10 रुपए के 100 बलून बेचते हो? 10 बैलून हम 100 रुपए के बेचते हैं। 10 बैलून ये लोग 100 रुपए बेचते हैं। तो अच्छा, तो पैसा वैसा खर्चा करके कहाँ ले जाते हो फिर? मम्मी पापा को खाना बनाने के लिए देते हैं। तो मम्मी पापा यहीं रहते तुम्हारे? नहीं, चौपाटी। चौपाटी पास रहते हो तुम लोग? यहाँ जो चौपाटी पीछे। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया बढ़िया, नाइस। तो अभी 10 रुपए, तुम 10 रुपए की पानी पूरी खिला दूँ क्या तुमको एटीएम करके? खिला दूँ? तो मोमोज खाना है? ठीक है, अभी रुको तुमको खिलाते हैं, वो भी खिलाते हैं। ठीक है, तो इनको पानी पूरी खिलाओ। पानी पूरी वाला भैया इन दोनों को, इन सामने बलून खरीदे हैं, इनको पानी पूरी खिलाओ दोनों को। खा लो। अरे खाओ खाओ, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? ये दोनों बढ़िया 5-5 पानी वाले पानी पूरी खा रहे हैं, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। कैसा लग रहा है पानी पूरी, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है। हाँ यार, खट्टा मीठा पानी, मीठा वाला है भाई। इसकी तो जवान चलने लग गई, अभी तक भूखा था यार। क्यों? लहसुन वाला पानी। क्यों? बढ़िया बढ़िया भाई। और ऐसे ही मेहनत करते हो सुबह से शाम तक? शाम को आते हैं 5 बजे। शाम को 5 बजे आते हो? स्कूल जाते हो कि नहीं जाते हो? नहीं जाते। क्यों भाई? सुबह क्या करते हो फिर? सुबह क्या करते हो? सुबह क्या, शाम को आते हो, सुबह क्या करते हो तुम लोग? सुबह उठते हैं, मुला के होते हैं, लकड़ी तोड़ने चले जाते। लकड़ी तोड़ने? अच्छा, खाओ 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 खाओ, टिक्की पिघल जाएगी पानी पूरी तुम्हारी। लाओ मैं पकड़ लूँ क्या? नहीं पकड़ पा रहे हो तो बलून्स पकड़ लूँ तुम्हारे? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेके थोड़ा ना भागूंगा। क्या लगा तुम्हें, लेके भाग जाऊंगा तुम्हारे बलून? नहीं, भरोसा है? और पैसे कौन देगा? आप। मैं दूंगा। हाँ। मैं नहीं जानता भाई पानी पूरी किसने खाई, तुमने खाई तो पैसे कौन देगा? क्यों भैया, पैसे कौन देगा? जो खाएगा वो पैसे देगा। अब बताओ भाई, अपन ने तो भाई कुछ नहीं करा, अपन ने तो बस वीडियो बनाई है, जो खाएगा वो पैसे देगा। पानी पिलाओ भाई, पानी पिलाओ। डरे तो नहीं? दे दूंगा पैसे, चिंता मत करो, दे दूंगा मैं पैसे। इसको पानी प्यास लग गई, क्यों डर के मारे प्यास लगी या फिर वैसे प्यास लग गई? डर के मारे। अच्छा अच्छा, मिर्ची भैया ने बहुत। तो तुम तो तीखा मांग रहे थे, खट्टा पानी पूरी, क्या क्या फ्लेवर मांग रहे थे, मीठा मांग रहे थे। चलो बढ़िया।
तो ये अपन वेजा ताल के अंदर आ गए हैं। ये मेरे भ्राता, बड़े भ्राता अंकित दुबे, ये हमारे लोको पायलट है रेलवे में, रेलवे कर्मचारी। तो ये सीन है कुछ यहाँ का, लाइटिंग वाइटिंग देख रहे हो जैसे आप, ये फाउंटेन चल रहा है, ये बोट्स हैं। अभी तो शाम का टाइम है, अभी मतलब बंद हो जाती है शायद 7 बजे, तो मैं थोड़ा 8 बजे होती है क्या, तो 8 बजे बोटिंग वोटिंग होती है, तो ये बंद हो चुकी है ऑलरेडी। और इससे पहले अगर मैं आता तो वहाँ एक शायद उधर बोट चल रही है कॉर्नर को, उधर आपको दिख रही होगा रेड कलर की, तो वो चल रही है। बाकी नॉर्मल तो यहाँ बंद हो चुकी है लाइटिंग वाइटिंग। और अगर आपको आना है तो शाम को यहाँ बैठ सकते हो, मस्त बैठने की अच्छी जगह है, चारों तरफ पानी, एकदम ठंडा माहौल रहता है, और काफ़ी सारे लोग कपल तपल्स भी आते हैं, बढ़िया बैठते इंजॉय करते हैं, चिल करते हैं। तो मैं भी आज निकला था शहर पे सुबह से, दिवाली पे घर आया था, सुबह से काम धंधा चालू था अपना, काम धाम करके। यहाँ मतलब सिंगिंग अच्छी होती है तो यहाँ पे आता हूँ मैं, मतलब जब भी ग्वालियर वगैरह आता हूँ तो फिर यहाँ ज़रूर आता हूँ मैं। देखते हैं अभी और कुछ कोई जगह चलते हैं तो वो भी आपको कवर कर लेते हैं आपको, बाकी तो देखी होगी। ये देखो एक बोट चल रही है, आपको दिखाते हैं बोट, ये एक बोट चल रही है वाली, एक बोट दिख रही होगी आपको, तो ये बोट है एक, तो अभी तो बंद ही हो गई इनका भी शायद, टाइम अप हो गया होगा जब ये लोग बंद करेंगे। चलिए दूसरी जगह को चलते हैं। लाइव म्यूजिक चल रहा है यहाँ पे, जैसे आप देख पा रहे हैं पीछे मस्त एकदम बिल्डिंग है, इसको बोलते हैं परिषद सभा कक्ष। तो अभी यहाँ पे लाइव म्यूजिक, दो बंदे गा रहे हैं, तो ये यहाँ पे ताल है उसके अंदर मछलियाँ भी हैं, तो बाहर से आप लोग आके मछलियाँ भी चुना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे वो है मछली का दाना भी मिल जाता है, तो बस बढ़िया है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे टाइम पास करने के लिए, घूमते रहो मस्त, इन्जॉय करते रहो, और हैप्पी फेस हमेशा, ऑलवेज हैप्पी। ये देखो कपल गोल ये देखो सामने भाई है कपल गोल, बोल रहा था मैं, तो ये ऐसा करके आप देख सकते हैं। तो दुबे जी आप बताइए, आप पहली बार आ रहे हैं यहाँ पे क्या, आते रहते हैं? अरे भाई आते रहते हैं, क्या अकेले ही आते हैं कोई नहीं कोई नहीं, बढ़िया जगह है भी। मैं आया हूँ यहाँ पे पहले, मैंने नाम तो बहुत सुना था इटालियन गार्डन का, ग्वालियर में रहता था पर मैं कभी आया नहीं था, लेकिन फिर क्या हुआ मैंने कहा भाई ग्वालियर में रह रहा है जगह तो देखनी चाहिए। तो फिर आप सुकून शांति के लिए भी आ सकते हो, सुकून भंग करने के लिए भी आ सकते हो, जैसे कि मैं अभी चॉइस हमारी है, जैसे कि मैं अभी इंजॉय करने आया हूँ, सुकून शांति के लिए तो नहीं आया मैं, इतना तो आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ आते ही मेरा तहलका मचा दिया, यहाँ घूमते वहाँ घूमते, बढ़िया है अच्छे आराम से। देखो ये पुराने ज़माने के, बहुत पुराना है ये, मतलब ये पोल्स वोल्स हैं बहुत ज़्यादा पुराने हैं, राजा महाराजा के टाइम के, क्योंकि हमारे सिंधिया जी यहीं के हैं, सिंधिया जी महाराज, तो वो यहीं के हैं, तो आप लोग यहाँ के मस्त इंजॉय कर सकते हैं बिल्कुल इसी तरह, जैसा कि आप देख पाए होंगे अभी। तो गाइज आप लोगों ने देख ही लिया होगा, ये इटालियन गार्डन था पूरा, ये यहाँ पीछे गार्डन भी है यहाँ पे, तो यहाँ पे लोग आके बैठते हैं मस्त, आराम से इंजॉय करो शाम को आराम से, आपको अगर शांति वांति चाहिए तो यहाँ पे आके ले सकते हैं, और भंग करना है तो भी कर सकते हैं, और यहाँ बीच में मछलियाँ भी हैं, पानी बहुत गंदा है लिटरली, सच बता रहा हूँ पानी बहुत ज़्यादा गंदा है, बट फिर भी यहाँ की मछलियाँ सरवाइव कर रही है, क्योंकि ये मछलियाँ भी चंबल से है तो जोक सा बात, अब मैं यहाँ पे वीडियो कर रहा हूँ एंड, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं देख रहा हूँ क्वालिटी उतनी आ नहीं पा रही है, तो करते हैं वीडियो का यहीं करते हैं अंत, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं पिछले बार भी देखा मैंने वीडियो, मेरे बहुत सारे व्यूज़ जाते हैं और तुम लाइक नहीं करते हो, और लाइक कर भी देते हो तो सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और भी कंटेंट आएगा, और मैं ट्राई करूँगा हफ्ते में 2 दिन डालने का, तो अब वो कमिट नहीं कर सकता मैं किस दिन डालूँगा, बट स्टिल आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल, उसके बाद आपको और मज़ा आएगा।
तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, शर्मा जी ब्लॉगर को बेटे को। और उसके बाद अगर आप चाहे तो मेरा एक इंस्टाग्राम हैंडल भी है जिसका नाम है शर्मा जी का बेटा, सर्च करोगे आ जाएगा अमन शर्मा करके, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। वहाँ भी मैं अच्छी अच्छी रील्स डालता हूँ कॉर्पोरेट रिलेटेड, तो कॉर्पोरेट रील अगर देखनी है आप, अगर कॉर्पोरेट को लाइक करते हैं, आईटी से हैं आप, तो आपको जरूर करना चाहिए। मैं वहाँ भी मैं जाकर मस्ती करता रहता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।